हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवाना सिंधी, स्वागत है आपका क्लासिक तड़का में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स सब्जी। इन सब्जी में मैंने वाल, आलू, बैगन, हरे मेथी की भाजी, टमाटर वगैरह सब्जी ली है। आप जो भी सब्जी खाना पसंद करो वो सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये सब्जी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है और गर्मा गर्म रोटियों के साथ, बाजरी की रोटी के साथ बहुत ही मज़ा आती है खाने में इसको। तो आप ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फिर बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है जिसको हमने गैस की फ्लेम को स्टार्ट कर दिया है। इसमें मैं 3 से 4 चम्मच तेल ऐड करूंगी और तेल को अच्छे से हम गरम होने देंगे। तेल अच्छे से गरम हो जाएगा उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा जब तड़कने लगेगा उसके बाद मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें काट कर रखी है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और हरी मिर्चें भी अच्छे से भून जाए उसके बाद हमने 1 घड़ी मेथी की भाजी ली है जिसको मैंने 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है और उसको कोरी करने के बाद हम इसको तेल में ऐड करेंगे। इसमें पानी ना हो उस बात का ध्यान रखें, अगर मेथी की भाजी में पानी रह जाता है तो कड़वी हो जाती है। तो सबसे पहले हम तेल में मेथी की भाजी को फ्राई करेंगे और जब आप देखें फ्राई होने लगी है भाजी तो उसके बाद हम 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें और भाजी को स्लो फ्लेम पे हम भूनने देंगे। ये मैंने काले बैंगन लिए हैं जिसको मैंने बीच में से कट करके इस तरह से चीरे लगा कर काट लिया है। सबसे पहले भाजी में हम बैंगन को ऐड करेंगे और बैगन अच्छे से ऐड हो जाए उसके बाद हम अच्छे से हम मिक्स कर लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनकर रेडी होती है। अच्छे से भाजी और बैगन अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें वालोर के बीजे और वाल पापड़ी इसमें ऐड करेंगे। इसके तो मैंने कुछ बीजे निकाल लिए हैं वालोर के और कुछ पापड़ी मैंने अक्खी भी रखी है जो कोली कोली छोटी होती है उसे भी। ये खाने में बड़ी ही मज़े की लगती है तो इसको हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद मैंने 2 बड़ी साइज़ के आलू कट कर लिए हैं, उसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें आप जो भी सब्ज़ी खाना पसंद करो वो सब्ज़ी आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि गाजर है, शकरकंद है, बहुत सी सब्ज़ियाँ हैं, फ्लावर है, कोबीज है। आप जो भी सब्ज़ी ऐड करोगे टेस्टी ही बनेगी। उसके बाद मैंने 1 टमाटर काट लिया है, उसे भी मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है और गैस की फ्लेम को आप स्लो कर दें और सब्ज़ी को अच्छे से हला लें। उसके बाद हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और स्वाद के मुताबिक नमक। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, आप कम ज़्यादा आप कर सकते हो। अब इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना इसमें ज़रूरी है ताकि सब मसाले अच्छी सब्जियों पे लग जाए। एक मिनट तक हम सब्जी को इस तरह खुली ही पकने देंगे ताकि मसाले भून जाएं। उसके बाद मैं 3 से 4 चम्मच जितना इसमें पानी ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके, देखिए ज़्यादा नहीं डालना है। और उसके बाद हमें ढक्कन ढाँक कर 10 मिनट तक सब्जी को पकाना है। 10 मिनट हो चुकी है, देखिए तेल ऊपर आने लगा है और मसालों की बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है और ये सब्ज़ी हमारी अच्छे से पक गई है। आप चेक कीजिए आलू को तोड़कर, अगर आलू गल गए हैं तो ये समझिए कि सभी सब्ज़ियाँ गल गई है। आलू अभी गले नहीं हैं, इसके लिए फिर से मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी। फिर से मैं 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करूँगी और फिर से इसको ढाँक दूँगी 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट हो चुकी है, अब ऑलमोस्ट सब्ज़ी हमारी गल चुकी है। देखिए अब सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, हला लीजिए और गैस की फ्लेम को आप बंद कर दें। तो ये गर्मा गर्म सब्जी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप गर्मा गर्म रोटियों के साथ, बाजरे की रोटी के साथ ये बहुत ही सब्ज़ी मज़े की लगती है, तो खाइए और मज़े कीजिए। और नई नई रेसिपी जानने के लिए मेरी चैनल के साथ बने रहिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो ऐसे और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो ऐसे और फिर लाइक करो ऐसे।
बाय।